हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बील स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ क्वार्टर्स एंड वीकन एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, मैं सुबह 3 अपडेट कर चुकी हूँ, तो अगर ये वीडियो छोटी होती है तो कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 अपडेट कर चुकी हूँ, ये मेरी चौथी अपडेट है। तो बोल बोल के भी गला दुख जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। दूसरी चीज़, जिनको बीएल ड्रामा पसंद है, मूवी स्टोरी टेलर पर मैंने बीएल ड्रामा शेयर कर दिया है, माय टू फादर्स, वो उसे जाके सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन्हें आर नोना बेबी पसंद है, उसका मैंने लास्ट पार्ट आज शेयर कर दिया है, वो स्टोरी आज खत्म हो गई है। और यू आर माई फैंटेसी, मैं लव स्टोरी टेलर पे अब चलाऊंगी। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आर साइलेंट लव मैं अगले 15 से 1 महीने तक नहीं चलाऊंगी। जिसे वो सुनना है, सिर्फ वही सुनना है, वो 1 महीना जो है उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली, तो वो बार बार मुझे इरिटेट ना करें, हर जगह जाके कमेंट करना, पूछना, मैसेज करना, ये छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों को 50 बार पिछले 9 महीने में समझा चुके हूँ कि दूसरी दूसरी एफएफ पे जाके आप किसी और एफएफ के बारे में मत पूछिएगा। मुझे चढ़ता है गुस्सा, क्योंकि जो काम मैंने जो किया है, चार चार अपडेट सुबह से की हैं, आप उसे तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जो मैंने अपडेट नहीं किया उसके बारे में भी ना पूछें, क्योंकि अगर मैं वो अपडेट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है मेरा काम चोरी हो रहा है, इसलिए जो मेरा काम पहले से ही पब्लिश्ड है तो मैं उसे शेयर करके फटाफट खत्म करना चाहती हूँ। इस बीच प्लीज़ मुझ पर मेंटल प्रेशर मत बनाएं कि आर साइलेंट लव नहीं शेयर किया, मैं नहीं कर सकती। मेरे घर में वाइट वॉश चल रही है, मेरे एग्जाम भी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेन आप बेयर कर लें। और नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए, चैनल को छोड़ के चले जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग अगर पोक ही करना जानते हैं तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मत सुनिए, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन 1 महीने तक वो स्टोरी लाइन तो अभी मैं पब्लिश नहीं कर सकती, अभी मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, पेंडिंग काम पड़ा है, मैं उन्हें पहले ख़त्म कर देना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिन लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है जब वो लोग जान जान के चुल करते हैं और पोक करते हैं, हर जगह जाके एक ही मैसेज करते हैं, और उससे मुझे होती है इरिटेशन। अब 15 से 1 महीना मैं शेयर नहीं करूँगी, समझ आ गया है, तो आप शांति मार जाएं। और अगर आप मुझे रूड कहते हैं तो आप लोग हैं जो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मेरा काम चोरी हो रहा है, मुझे पहले वो काम निपटाना है जो मेरा चोरी ना हो। तो प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा, मुझे चढ़ जाता है गुस्सा और मुझे हो जाती है इरिटेशन। अगर आप हर जगह जा जाके मुझे टेक्स्ट करते जाएंगे, उससे मुझे इरिटेशन फील होती है। और आप मुझे पोक कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी पे बैश आउट हो जाऊँ। तो आई होप समझ आ गया होगा जो लोग ये पोक वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं बहुत पहले से अपने चैनल पर बोलती आ रही हूँ कि दूसरी एफएफ में जा जाके किसी और एफएफ का ना पूछें। आई होप समझ आ गया होगा। अब 1 महीने वैसे भी आर साइलेंट लव मैं पब्लिश नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास वक्त ही नहीं है। चलिए, आज का जो पार्ट है उसे शुरू करते हैं। जिन जिन सेट से सबसे विदा लेते हैं और वो गुस्सों के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं, उनके लैंड डिसिपल्स सारी चीज़ों को तैयारी कर रहे थे वापस ले जाने के लिए, और वेंडिंग वेंचिंग भी उनके साथ वापस जा रहे थे। यहाँ पर वेंडिंग अभी भी बेहोश था, वेंचिंग उसका ख्याल रख रही थी, अंकल वेनपिंग भी उसका ख्याल रख रहे थे, और आंटी वेन भी वहाँ पर थी, ग्रैंडमा वेन, जो कि वेंडिंग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। वेंग जो था उसे बात करने के लिए, तब वहाँ पर एकदम से जंगछा आता है। जंगछा उसका हाथ पकड़कर वेंग को कहता है, वेंग तुम जा रहे हो क्या? तुम नहीं रुकोगे क्या? तुम हमारे साथ जियांगसेक नहीं जाओगे? तभी वेंग कुछ बोलता उससे पहले लेन शिचेन आ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर जियांग, आपको पता नहीं है वेंग को अब लेन सेक्ट वालों ने कोर्ट कर लिया है, अब आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, वो एक ओमेगा है और आपका ब्लड रिलेटिव भी नहीं है। भले ही वो आपका अडॉप्टिव ब्रदर होगा, लेकिन उसका अब किसी भी सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में लैन फुरन बनने वाला है, तो प्लीज़ आप इस तरह से उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर थोड़ा सा जंगछा को बुरा लगता है, वो विंग का हाथ छोड़ देता है, विंग भी उससे नज़रें चुरा लेता है। विंग को यहाँ पर बहुत दुख था कि जंगछा ने उसकी मदद नहीं की थी, और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जिन सेक्ट से मिलने वाली मदद को उन्होंने वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जियांग सेक्ट में, तो अब उसका कहीं ना कहीं वो कर, वो जो उसके ऊपर उभार था, इन सब का उधार था, वो सारी चीज़ें उतर रही थी, तो अब उसे कोई ना ही रिग्रेट था, बस उसे एक चीज़ से बहुत प्यार था, वो थी उसकी शिजे। उसे ये था कि काश वो शिजे की शादी जो है जिन सेक्ट में होती भी देख ले, लेकिन वो अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके साथ वैसे भी इतनी ह्यूमिलेशन हुई थी। बस वो इतना बोलता है कि जंगचा, सॉरी, या फिर मैं कहूँ सेक्ट लीडर जियांग, प्लीज़ आप बाकी सबका, जितने भी यहाँ पर लोगों ने गलतियाँ की हैं, उन्हें अपने सेक्ट में ले जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन पर रहम नहीं करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
बस मुझे इतना ही कहना है। बींग वहाँ से मुंह मोड़ के चला जाता है। जंगचा जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे थोड़ा सा घमंड भी था, लेकिन यहाँ पर उसका दिल टूट रहा था। जिस भाई के साथ उसने हमेशा रहने की, उठने बैठने की कसम खाई, जिसे वो अपना राइट हैंड मानता था, और उसने हमेशा सोचा था कि जब जियांग सेक्ट में वो सेक्ट लीडर बनेगा तो विंग उसका राइट हैंड होगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा एज अ ब्रदर। आज वो विंग उसे छोड़कर लैंड सेक्ट में जा रहा था। यहाँ पर जंगचा का दिल बहुत दुखता है। वो मन में सोचता है कि शिजे की शादी के बाद मुझे लगता था कि मैं और विंग बहुत अच्छे से रहेंगे, जियांग सेक्ट को चलाएंगे, बच्चों को तीरंदाजी सिखाएंगे, और स्वॉर्डमैनशिप में विंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। खैर, अब तो वो अपने साथ तलवार नहीं लेता था, लेकिन जंगचा को लगता था कि विंग उसके पास वापस आ जाएगा। पर जंगचा को अब गलती फील हो रही थी कि काश उसने सबके सामने, जैसे जेवजुन ने विंग का हाथ थामा, काश उसने विंग को सबके सामने से बचा लिया होता, लेकिन वो क्या करता। शर्त ही ऐसी थी कि विंग को जो बचाएगा उसे विंग को अपनी एक तरह से सेक्स स्लेव बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर जेवजुन ने तो सारी बारी ही पलट के रख दी थी। विंग जेवजुन से कहता है कि क्या मैं वेंसेक्ट के यहाँ पर जाके बैठ जाऊँ, जो उनके लिए रथ आया है, मतलब जगह आई है। तो वो मना कर देते हैं कि तुम उसके कार्ट में जाके नहीं बैठ सकते, तुम मेरे साथ ही बैठोगे, क्योंकि अब तुम लैंसेक्ट के होने वाले फुरन हो, तुम वांगजी के होने वाली वाइफ हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें गलत नज़रों से देखे, गलत टच करे, और मुझे पता है कि वांगजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें वेंसेक्ट के लोगों के साथ रखकर यहाँ लेके आया हूँ। अब तुम्हारी एक अलग रुतबा, एक अलग रिस्पेक्ट होगी लैंसेक्ट में, इसलिए तुम उनके साथ नहीं बैठ सकते। विंग जिसका दिल दुख रहा था, उसे वेनिंग के पास जाना था, वो कहता है क्या मैं एक बार वेनिंग को देख लूँ। तो लैंसेक्ट लीडर जो थे, लैन शिचैन, वो कहते हैं ठीक है, तुम वेनिंग को जाके देख सकते हो, वेंचिंग से भी बात कर सकते हो, पर तुम्हें वापस से मेरे कार्ट में आना होगा। वो वहीं खड़े होते हैं, वो अपने कार्ट में नहीं जाते। विंग जाता है, वो दूसरी कार्ट में जाता है, वो वहाँ पर जाकर वेंचिंग, वेनपिंग, ग्रैंडमा वैन, उन सबसे मिलता है, और एयुअन भी जो कि वहाँ पर सोया हुआ था वेनिंग की बाहों में, और सॉरी वेंचिंग की बाहों में। वेंचिंग विंग को देख के कहती है विंग तुम ठीक हो ना। विंग उसे कहता है मैं ठीक हूँ। तो वो पूछती है क्या तुम्हें किसने कोर्ट किया, और जेवजुन मैंने सुना था कि, विंग कहता है डोंट वरी मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं अभी तक प्योर हूँ। ये बात सुनने के बाद विंचिंग की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, और वो कहती हैं बट हमने तो सुना। विंग सिर हिला के इशारों में उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पर विंचिंग की थोड़ी सांसों में सांस आती है। ग्रैंडमा वे और वेनपिंग भी वहाँ होते हैं, वो पूछता है वेनिंग की थोड़ी हालत में सुधार आया, और एयुअन को क्या हुआ है, ये क्यों सो रहा है। तो वो बताती है कि एयुअन भीगने की वजह से उसे बुखार आया था, इसे दवाई दी है लैंसेक्ट के लीडर्स ने, ओनी सेक्ट ने भी इसकी अच्छी से जांच की थी, बस डॉक्टर्स ने दवाई देके कहा है कि जल्दी इसका बुखार उतर जाएगा। विंग कहता है मुझे जेवजुन की कार्ट में जाके बैठना होगा, तुम लोग यहाँ अच्छे से बैठना, तुम्हें खाना पीना तो सब मिल रहा है ना। तो वेंचिंग स्माइल के साथ बोलती है विंग थैंक यू हमें बचाने के लिए, हम सब वेन को, और लैंसेक ने और नीसेक ने हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा कि जिनसेक ने किया था, और थैंक यू सो मच, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। विंग कहता है जो तुमने मेरे और जंगचा के लिए किया था उसके आगे कुछ भी नहीं है, और अगर मुझे दोबारा से तुम्हारे लिए कुछ करना भी पड़ा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से जियांग सेक्ट का आज लीडर जिंदा है, और वो अपने सेक्ट को बचा रहा है, अपने सेक्ट को आगे भी लेके जाएगा, और मैं तो लैंसेक्ट में खुश रहूँगा, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग के चेहरे पे अब उदासी नहीं थी, एक स्माइल थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लैंसेक्ट में जाने के बाद शायद वो लंजा को फॉलो कर सकता है हर जगह। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, आश्वासन था, और उसे पता था कि लैंसेक्ट में कोई तो है ना जो उसका इंतज़ार कर रहा है, वरना अभी तक उसकी आंखों में अधूरापन दिखता था। उसे पता ही नहीं था इस दुनिया में कोई उससे प्यार भी करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो लड़की जिसे वो सोचता था कि जो भी अल्फा लड़की या लड़का उसे प्यार करेगा वो उसकी केयर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उसे प्यार करने वाला और उसकी केयर करने वाला और कोई नहीं, लवांगजी खुद है, और लवांगजी का प्यार प्रोटेक्टर रहे उसके लिए लैंसेक्ट उनकी शील्ड बन के खड़े हैं। अब विंग के चेहरे पे एक आश्वासन था,
और कहीं ना कहीं शांति थी कि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा विंग है ना, वो मुस्कुराकर उनसे अलविदा लेता है और वापस से आकर लैन शिचेन की कार्ट में बैठ जाता है। लैन शिचेन विंग के साथ उस कार्ट में बैठते हैं, उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं। विंग जो कि ओमेगा था, और उसे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से वो सबके ड्रामे देख देख के उसका पेट वैसे ही भर चुका था, और कुछ ड्रामों के खुशी की वजह से उसकी भूख जो थी वो कम थी। लेकिन इस वक्त उसे भूख लगती है, तो लैन शिचेन उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए रखते हैं। तभी विंग कहता है कि चिवजुन, क्या वांगजी को पता होगा आपने मुझे कॉर्ट किया है? लैन शिचेन कहते हैं, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम यहाँ से लेंसेक जाएंगे तो मैं वांगजी को सारी चीज़ें बता दूंगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उसके बाद वांगजी तुम्हें अपनाना चाहेगा। मैं जानता हूँ वांगजी तुम्हें कभी भी तुम्हें डिसऑन नहीं करेगा, वो तुम्हें अपनाएगा। और उसके बाद अगर वो तुमसे शादी करेगा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी की तैयारी करूँगा। विंग स्माइल करता है, उसके चेहरे पे ब्लश आ जाती है, और वो कहता है, शादी? तो यहाँ पर जयवचन कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि हमारे लैंडसेक में शादी नहीं होती? वो हंसते हुए कहता है, लंजा तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट फेस के साथ रहता था कि मुझे तो डाउट था कि वो कभी किसी से अपने प्यार का इजहार भी कर पाएगा या नहीं। इवन अगर वो किसी लड़की को प्यार का इजहार करने जाता ना, तो वो लड़की डर के भाग जाती। जयवचन कहते हैं, तुम बहुत नोटी हो विभूषण, और तुम मेरे सामने ही मेरे ब्रदर की इतनी बुराई कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। विंग कहता है, आपका ब्रदर है ही इतना ज़्यादा अकड़ू सा, देखा नहीं है कैसे कोल्ड फेस लेके घूमता है, हमेशा अकड़ में रहता है, पता नहीं क्या समझता है खुद को, जैसे कहीं का राजा हो। मैं कितना उसके पीछे भागा करता था, एक बार भी आपका भाई मेरे को भाव नहीं देता था, और देखो ना इस जगह से भी फटाफट भाग गया वो, वरना वो भी मुझे कोर्ट कर सकता था। तो जयवचन कहते हैं, एक्चुअली अंकल की तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ से गया, और अगर वो यहाँ होता तो तुम्हारे लिए कोई भी बदतमीजी नहीं कर पाता। सबके सामने जिस तरह से तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हारे वो बाल खींचे। तो जयवचन एकदम चुप हो जाते हैं। विंग को भी याद आता है कि कितनी बेशर्मी के साथ, बेरहमी के साथ उसे बेइज्जत किया जा रहा था। विंग की थोड़ी सी आंखें भी भर आती हैं और वो नज़रें भी चुराता है। तो लैन शिचेन कहते हैं, डोंट वरी, मैंने उन सबसे बदला ले लिया है, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी लैंडसेक की फ़ौरन पे आंख उठा के देखने की भी, स्पेशली तब जब तुम और लवांगजी शादी कर लोगे। विंग कहता है, क्या ये सब जानने के बाद लवांगजी मुझे अपनाएगा? तो जयवचन स्माइल करके कहते हैं, लवांगजी तुम्हें हर सूरत में अपनाएगा। तुम इस दुनिया में एलियन भी बन के आए होते ना, तब भी वो तुम्हें अपना लेता। यंग मास्टर भी, मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, और लैंडसेक्ट वाले एक बार प्यार करते हैं और एक ही बार वो अपने प्यार को जी जान से प्यार करते हैं, और हमेशा उसके साथ रहने के ख्वाब देखते हैं। मेरे पिताजी ने भी, भले ही मेरी मॉम और मेरे पिता की कहानी अलग थी, अजीब थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया, और लवांगजी भी आपके अलावा किसी और का नहीं अपनाएगा। विंग स्माइल करता है। ऐसे ही वो कुछ घंटों का सफ़र तय करते हैं, और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं क्लाउड रिसेस। विंग बहुत थक चुका था और वो वहां पर सो जाता है क्योंकि वो बोर हो गया था, और लास्ट नाइट भी रोनी की वजह से उसकी बॉडी में भी पेन था, और उसकी जो आंखें थी वो सूजी हुई थी, तो इसलिए विंग आराम से सो जाता है। लैन शिचेन जो कि विंग को देख रहे होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल होती है कि वांगजी, मैंने तुम्हारे प्यार को बचा लिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने टाइम पे आकर चीज़ों का एक्शन लिया, वरना मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाता। अगर विंग को किसी और ने कोर्ट कर लिया होता तो लवांगजी तो टूट जाता। मैंने जो भी किया वो यंग मास्टर वे के लिए भी किया, और वांगजी के लिए भी किया, और इससे वेंसेक्ट वालों को भी भला हो गया। चलो अच्छी बात है कि मैंने टाइम पे स्टेप उठाया। यहाँ पर विंग जैसे ही क्लाउड रिसेस पहुँच जाते हैं, तो जैसे ही कार्ट रुक जाती है, जयवचन विंग को उठाते हैं, विंग उठो। यहाँ पर लैंडसेक्ट में सारी जगह शोर मच चुका था, उन्हें पता चला था सभी लैंड्स को कि विंग को कोर्ट कर लिया गया है, और जिन सेक्ट में जैसी ही जो जो चीज़ें हुई थी, यहाँ पर सबको एक खत के द्वारा बता दिया गया था। जब लैंडसेक्ट में वहाँ पर जिन सेक्ट में विंग को कोर्ट किया गया था, और लैंड शिचेन ने उसके साथ एक रात बिता ली थी, तो जिन क्वांगशान ने यहाँ पर एक पत्र भेज दिया था
कि आपके सेक्ट लीडर ने वीन को सेक्स स्लेव बना लिया है। और जैसे ही ये पत्र यहाँ मिला था तो लेंचेरन, जो कि जानते थे लवांगची कहीं ना कहीं वी विजया को पसंद करता है, उन्होंने लवांगची को कुछ नहीं बताया था। लेकिन गॉसिप फैले भी नहीं रुकती यहाँ पर, लोग तभी आवाज़ में सब बोलने लगे थे। और यहाँ पर लवांगची को पता था उसके ब्रदर आ रहे हैं और वो भी वीन को साथ लेके, तो लवांगची की धड़कने भी बहुत तेज़ हो गई थी। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या उसके ब्रदर ने उसी के प्यार के साथ संबंध बना लिए, क्या उसके ब्रदर ने वीन को कोर्ट कर लिया है। वो मन में सोचते हैं कि अब विंग मेरा नहीं हो पाएगा, बट अगर ब्रदर उससे प्यार करते हैं तो ब्रदर ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, और अगर ब्रदर उसके साथ हैं खुश तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। वांगजी मन में सोचता है कि कम से कम विंग की इज्जत तो बच गई, और अगर वो ब्रदर के साथ खुश हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रदर ने उसे सच में सेक्स स्लेव माना है तो मैं ब्रदर के खिलाफ भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं विंग को ऐसे कभी भी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। लंजा के मन में यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि तभी एक लैंड डिसिपल आगे बताता है, अनाउंस करता है कि जेवजन आ गए, सेक लीडर लैंड आ गए हैं। यहाँ पर लंजा अपने अंकल के पास बैठा हुआ था जो बीमार थे, तभी यहाँ पर लेंचेरन भी उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं कि लेंचेरन को कहना वो सीधे यहीं हमारे रूम में आए। लेंचेरन जैसे ही विंग को उठाते हैं वो दोनों क्लाउड रिसेस की तरफ भरते हैं। यहाँ पर वेंडिंग के लिए भी वो लोग लेंसेट से काफ़ी लोगों को कहते हैं कि उसे स्ट्रेचर पे अंदर ले जाया जाए और लेंसेट की जो चिकित्सा शाला थी वहाँ पर रख दिया जाए, यानी कि हॉस्पिटल था, हीलर पॉइंट था, वहाँ पर रख दिया जाए। और वो लोग ऐसे ही करते हैं, फेंचिंग, वेंडिंग और ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, A1, इन सबको लेकर बोले कुछ गेस्ट हाउस भी अलॉट कर देते हैं। और उनके अलावा भी और भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, 5-10 लोग और भी वहाँ पर थे जो छोटे छोटे मियाँ बीवी और बच्चों के साथ आए हुए थे, वो लोग उन्हें भी क्वार्टर दे देते हैं गेस्ट हाउस के। और यहाँ पर जो हमारे लंच चैन थे वो विंग को उनके रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर लेंचेरन अपने अंकल से मिलने जाते हैं, वो अंकल के पास जाते हैं, अंकल के रूम में उन्हें बो करते हैं। वहाँ पर वांगची भी बैठा हुआ था, वांगची अपने ब्रदर को देख के उन्हें नमन करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस था। तभी अंकल चेरन कहते हैं मुझे जिन गुआंगशान का पत्र मिला। तभी यहाँ पर थोड़े से जो हमारे जीवजन थे वो घबरा जाते हैं कि वांगची के सामने ये बात नहीं होनी चाहिए, वांगजी क्या सोचेगा। तभी लेंचेरन कहते हैं कि शिचन तुमने विंग को कोर्ट कर लिया। तो वो ज़ोर से सांस लेके बोलते हैं अंकल मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, मैं क्या करता, मैं अगर मास्टर वे को कोर्ट नहीं करता तो उनको सेक्स स्लेव बना लिया जाता, जिन जिशुन उनके पीछे पड़ गया था हाथ धोकर, इवन जिन गुआंगशान की भी नज़रें विंग को लेके ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे उसे कोर्ट करना पड़ा क्योंकि नी सेक्ट से कोई उसे कोर्ट नहीं करना चाहता था। और जियांग सेक्ट में तो वो उसका सेक्ट लीडर जियांग का अपना भाई है, तो जिस सेक्ट में वो पले बड़े हैं, जिस सेक्ट में उनका इतना रुतबा है, उनकी इतना आदर सम्मान किया जाता है, उस सेक्ट में उसे सेक्स स्लेव कोई बनाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और अपनी ही सेक्ट में ऐसी चीज़ हो जाना ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात होती है उनके लिए। तभी एकदम से वांगजी बोलते हैं ब्रदर क्या आपके और विंग के बीच जैसा कि खत में लिखा था वो सब हुआ है। तभी शिचन उसे घूर के देखने लगता है और यहाँ पर चरण भी और कहता है वांगजी तो तुम्हें कैसे पता। तो वांगजी कहता है पहले वो खत मुझे मिला था और मैंने उस खत को पढ़ लिया था, फिर मैंने उस खत को अंकल को दिया। क्या आपने विंग को कोर्ट कर लिया है और आप दोनों के बीच में क्या आप विंग को सेक्स स्लेव रखना चाहते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं। लेन शिचन अभी चुप थे, लेन चरण कहते हैं वांगजी पर तुम्हारे बड़े भाई ने उसे कोर्ट कर लिया है तो तुम्हारे बड़े भाई को ही उसके साथ शादी करनी होगी। वांगजी जिसने बिचन को बहुत तेज से पकड़ लिया था और उसकी आंखें जैसे गुस्से से भर गई थी, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। ये चीज़ लेन शिचन नोटिस करते हैं और कहते हैं वांगजी मेरे और यंग मास्टर वे के बीच कुछ भी नहीं हुआ।
जिन ख्वाहिशान ने जो भी लिखा वो हमारे तरकीब का एक हिस्सा था। बस बस हम लोग उस वक्त और कुछ नहीं कर सकते थे उनकी आंखों में धूल झोंकने के अलावा, इसलिए मैंने मास्टर वे के साथ वो सब ड्रामा किया। लेकिन मास्टर वे आज भी प्योर हैं, और तुम जानते हो लेंस एक्ट में झूठ बोलना मना है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बेबाक होकर यहाँ पर सच कबूल कर लेता। मास्टर वे आज भी उतने ही प्योर हैं जितने कि पहले थे। हाँ, मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए मैंने उन्हें किस किया था, और हम दोनों के बीच में सिर्फ एक चादर की लेयर थी जब हम एक बेड पे लेटे, क्योंकि हम लोगों को अपने कपड़े उतार के सोना पड़ा था। लेकिन मैंने उन्हें अपने छोटे भाई जैसा ही समझा, और मैंने उन्हें अपने बच्चे की तरह ही रखा, जैसे एक पिता या एक माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से लगा के रखती है। मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कभी भी नहीं। वो घुटनों के सामने लंचरन के आगे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने विंग के साथ अगर किस भी की तो मुझे उनसे अपने भाई या बच्चे जैसी ही फील आई, क्योंकि मैं उन्हें वांगजी के लिए बचाना चाहता था। मैं जानता हूँ वांगजी उनसे प्यार करता है, और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने उन्हें इससे ऊपर कुछ भी नहीं किया। मैंने उनकी बॉडी भी नहीं देखी, और मैंने उन्हें गलत तरीके से भी नहीं छुआ। वो मेरे लिए छोटे भाई जैसे ही हैं। तभी अंकल चरण कहते हैं, शिचन, मैं तुम्हारी बातों को सच मानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। लवांगजी, जिसके दिल में इस वक्त डांस की जैसे लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि उसके ब्रदर ने ये कहा कि उसने विंग को गलत नज़र से नहीं छुआ, तो वांगजी वहाँ पर कहता है, तो ब्रदर, क्या आप विंग को कोर्ट करना चाहेंगे या विंग से शादी? तो लेंचिचन उसे देख के कहते हैं, वांगजी, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मुझे पता है तुम यंग मास्टर वे को प्यार करते हो, तो क्या तुम उन्हें पाना नहीं चाहते? क्या तुम यंग मास्टर वे से शादी नहीं करना चाहते? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वांगजी विचिन को टाइट पकड़ लेता है। उसके कान लाल होने लगते हैं, उसके चेहरे पे ब्लश आता है, और वो कहता है, बट विंग। तो लेंचिचन कहते हैं, विंग को मैंने सब बता दिया है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और विंग को कोई आपत्ति नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। यंग मास्टर वे तो वैसे भी कितने अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, और यंग मास्टर वे जो हैं वो डोंट वरी तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। वो बहुत खुश हो गए थे जब उन्हें पता चला कि तुम उनसे प्यार करते हो। बट वांगजी, अभी यंग मास्टर वे के साथ बहुत सारी चीज़ें हाल ही में हुई हैं घटित होने की वजह से। मुझे नहीं पता कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा रोना उन्हें आ जाता है, और कभी कभी वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा वक्त यंग मास्टर वे को संभालने के लिए दें। और थोड़ा सा वक्त वेनिंग भी इस सब चीज़ों में घायल हो गया था। यंग मास्टर वे को हम तुम्हारे से मिलने, बात करने और तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। अगर तुम दोनों को सूटेबल लगे तो तुम अपना वक्त लो। उसके बाद जब तुम दोनों को रजामंदी हो, तुम दोनों की इच्छा हो, तब हम तुम दोनों की शादी कराने के लिए राजी होंगे। तभी लवांगजी के चेहरे पे ब्लश आ जाता है, और वो कहता है, विंग कहाँ है ब्रदर? तो वो कहते हैं, मैंने विंग को अपने रूम में भेजा है। विंग बहुत थका हुआ था, मैं चाहता हूँ कि विंग थोड़ा आराम कर ले, सो जाए। वो कार्ट में भी सोता हुआ आया, क्योंकि जितनी ह्यूमिलेशन उसने सही थी वो सारी रात रोता रहा था, और मैं उसे चुप भी नहीं करा पाया। वांगजी, विंग को हम लोगों के प्यार और हम लोगों की सहानुभूति और हम लोगों के एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मास्टर वे को और दर्द नहीं देना चाहता। ऑलरेडी उन्होंने जियांग से तबाह होने के बाद बहुत कुछ सहा है, और बहुत जल्दी उनकी सिस्टर की भी शादी होगी। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम दोनों की शादी हो, और वो लैन फुरन बन के जिन सेक्ट में जाएं, और वहाँ पर उनकी जो इज्जत है वो बढ़ी जाए, ना कि कभी कम हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट रखो। लवांगजी कहता है, ब्रदर डोंट वरी, मैं विंग का बहुत प्यार से ख्याल रखूँगा, और उसे कोर्ट करने के लिए, उसे मेरे लिए बचा के लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांगजी वहाँ घुटनों के बल बैठता है और अपने ब्रदर को शुक्रिया बोलता है। उनका ब्रदर कहता है, वांगजी, तुम्हें ऐसे झूठ छुक के बैठने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें घुटनों पर बैठने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम मेरे भाई हो, और अगर मैं अपने भाई की खुशियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ? मेरे सेक्ट लीडर होने का क्या फ़ायदा? मेरे एक बड़े भाई होने का क्या फ़ायदा कि मैं अपने छोटे भाई की खुशियाँ ही दब
तबाह कर दूँ। और मैं वहाँ कैसे मौन बैठा रहता, देखता रहता, जबकि मैं जानता था यंग मास्टर वे ने हमारी फ़ाइट में कितनी मदद की, वेंसेट के खिलाफ कितना कुछ किया, और वो बेकसूरों को ही बचा रहे थे, तो मैं उन्हें तबाह कैसे होने दे सकता था। और मैं तुम्हारी लाइफ को भी तबाह कैसे होने दे सकता था। मैं तुम्हारा भाई हूँ, और एक भाई का कर्तव्य बनता है कि वो अपने छोटों की, अपने अनुज की, अपने से छोटे भाई बहनों की सलामती रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। पिता के बाद एक भाई, एक बड़ा भाई या बड़ी बहन ही तो होती हैं जो अपने से छोटों का ख्याल रखती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मास्टर वे से शादी करो, पर याद रखना कुछ जल्दीबाजी मत करना। वो अभी भी बहुत सारे सदमों से गुजरे हैं, और जियांग सेक्ट से भी उनके थोड़े रिश्ते अभी खट्टे हैं। कोशिश करना कि सेक्ट लीडर जियांग से भी उनके रिश्ते थोड़े संभल जाएं, अच्छे हो जाएं, और शिजय की शादी तक तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम एक इज्जत से उन्हें वहाँ लेके जा सको। लवांग जी कहते हैं, बिल्कुल मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा ब्रदर, और मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। लैन चिचन कहते हैं, वो हांची में है, तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। पर वो हंसते हुए बोलते हैं, विंग को डराना मत, विंग वैसे भी थोड़ा शॉक्ड है कि तुम जैसे इंसान उससे प्यार कैसे कर सकता है। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे वो तुम्हें चेस करते थे, और तुम हमेशा उन्हें शेमलेस बोल के या फिर बोरिंग बोल के चले जाया करते थे। या मांग जी के एकदम से पेट में गुदगुदी होने लगती है, कान लाल होने लगते हैं, और उसे पता था कि कैसे वो विंग को पहले भगा दिया करता था। यहाँ पर उसे शर्म आ रही थी जब उसके अपने भाई यहाँ पर बता रहे थे उसके अपने कारनामे कि वो विंग को कैसे भगा दिया करता था। यहाँ पर उसे सच में बहुत अजीब फील होता है कि उसके अपने ब्रदर उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। और यहाँ वांग जी कहते हैं, ब्रदर प्लीज़। तो वो कहते हैं, ठीक है जाओ विंग से मिल लो। गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।